ये मेरा ग्रास है। मैं खाने जा रहा हूँ इसको। मारुति को सब तो रोकने आ रहे थे और ये खाने आ गए। अरे आपकी तो देह ही नहीं है और पेट भी नहीं है, आप क्या करेंगे उसे खाकर? किस पेट में ले जाकर पचाएंगे उसे? मारुति उस आकाश फल को खाने वाला है। मारुति को बड़ी तीव्रता से भूख लगी है और उसी कारण माँ भी बहुत दुखी है। कुछ भी हो, मैं उसे खाऊं, बचाऊं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये मेरा ग्रास है, मेरा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ओहो, अरे समझते क्यों नहीं? आपका तो पेट भी नहीं है और देह भी नहीं है, किंतु मेरा पेट तो भूख से कुलबुला रहा है। लगता है ये उद्दंडी बालक ऐसे नहीं मानेगा, इसे दंड देना ही पड़ेगा। यत्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयु स्वर्भानुरोध यतीन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन गूलं सूर्य तमसाप व्रतेन तुरीयेन ब्रह्माणा विन्ददत्रिह। मारुति को भूख लगी है और आप मारुति को हंसा रहे हैं। यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा, सूर्य ग्रहण होते ही कवच में सिद्ध मायावी शक्तियां आना आरंभ हो जाएंगी। समझा, तो आप मारुति पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु क्यों कर रहे हैं? देखिए, मारुति की आपसे कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार राहु समझा रहा तुझे। समझ नहीं आ रहा ना तुझे? आप मारुति को विवश कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। सुमति के संग ज्ञान सागर जय
इसने तो राहु जैसे वरदानी असुर को भी परास्त कर दिया। मारुति का आकाश फल। कितनी बाधाएं आ रही हैं इस आकाश फल को प्राप्त करने में। देवर्षि नारद जी ने सत्य कहा था कि बहुत बाधाएं आएंगी, किंतु मारुति ने भी उनसे एक सत्य कहा था कि मारुति उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। यत्त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयु। यज्ञ संपन्न हो गया है महाराज, अब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने वाला है। सैनिकों को तो अब तक मारुति की सूचना लेकर आ जाना चाहिए था। क्या हो रहा है? ये कवच को क्या हुआ है? इसमें आलोकित होने वाला प्रकाश लुप्त कैसे हो गया? आश्चर्य है दशानन, ग्रहण का समय हो चुका है किंतु ग्रहण अभी आरंभ नहीं हुआ। छाया भी अपने स्थान तक पहुंच चुकी है किंतु ग्रहण का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। असंभव! राहु द्वारा सूर्य को ग्रसने का समय व्यतीत होता जा रहा है। राहु कहां हो तुम? काल आरंभ हो चुका है किंतु सूर्य चमक रहा है। कहीं देवताओं ने फिर से छल तो नहीं किया या राहु को रोकने की कोई नई युक्ति ढूंढ ली है? ये देवता भली भांति जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय ही असुर अपनी असुरी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए मायावी यज्ञ और विधान रचते हैं। यदि यह सत्य है कि सूर्य ग्रहण रोकने में देवताओं ने प्रयास किया है तो महादेव की स्तोगन, दशानन के कोप का भागी बनना पड़ेगा तुम्हें। पुरोहित जी, ये कैसे हो सकता है? पहले कभी नहीं सुना कि सूर्य ग्रहण अपने निर्धारित समय पर आरंभ ना हुआ हो। महाराज, वो युवराज। क्या हुआ मेरे पुत्र मारुति को? क्या हुआ मेरे लाल को? महारानी जी, युवराज के मित्रों ने बताया है कि युवराज सूर्य को आकाश का फल समझ के उसे खाने के लिए गए हैं। मारुति, मुझे पहले ही आभास हो रहा कि एक न एक दिन अबोध मारुति की अद्भुत शक्तियां उसे संकट में घेर लेंगी। मारुति!
प्रभु, हे देवेश्वर, हे भोलेनाथ, हे कृपालु, मेरे लाल की रक्षा करना, उस पर कोई संकट आने ना पाए। चल हुआ है मेरे साथ देवराज इंद्र, चल हुआ है राहु के साथ, संधि का उल्लंघन किया गया है। क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो राहु? ऐसा छल, किस संधि का उल्लंघन? भूल गए देवराज इंद्र, स्मरण कीजिए, अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के वक्त देवताओं और दानवों के मध्य क्या संधि हुई थी? भली भांति स्मरण है हमें, देवों का नेतृत्व मैं ही कर रहा था, तुम सब असुर दैत्यराज बाली के नेतृत्व में दूसरी ओर थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था, वासुकी नाग ने रस्सी का कार्य किया था, और नारायण ने कच्छप का रूप धर के मंदराचल की मथानी को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र के गर्भ से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया था, पूरा संसार विष के प्रभाव से नष्ट होने लगा था, नष्ट। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की, और महादेव नीलकंठ कहलाए। अमृत प्राप्ति के लिए मंथन चलता रहा। इस मंथन से इरावत, कल्पवृक्ष, वारुणी, लक्ष्मी, चंद्र, कामधेनु, कौस्तुभ मणि आदि अनेक रत्न निकले, और उनमें से कुछ रत्नों को आप देवताओं ने रखा था और कुछ को हम असुरों ने रखा था। मंथन के अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लिए निकले, किंतु तुम असुरों ने बलपूर्वक उनसे वो कलश छीन लिया। तब उस अमृत को देवताओं और असुरों में वितरित करने के विष्णु देव को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, और ये मोहिनी रूप हम असुरों को अमृत से वंचित रखने की विष्णु की एक चाल थी, और इस चाल को मैं भली भांति समझ गया था, इसलिए मैं देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाके बैठ गया था, और कपट करके तुमने भी अमृत का पान कर लिया था। हाँ इंद्रदेव, किंतु सूर्य और चंद्र ने मुझे पहचान लिया, और दंड स्वरूप विष्णु देव को सुदर्शन चक्र से तुम्हारा शीश काटना पड़ा था। इंद्रदेव, और मेरा शरीर दो भागों में विभक्त हो गया था, परंतु अमृत पीने के प्रभाव से मेरे शरीर के दोनों भाग अमर हो गए थे। मेरा धड़ कहलाया केतु, और ब्रह्मदेव ने मेरे शरीर के दोनों भागों को ग्रहों में स्थान दिया, किंतु तब भी मेरे मन से सूर्य और चंद्र के प्रति वैर की भावना समाप्त नहीं हुई थी। प्रतिशोध लेने की भावना से मैंने सूर्य और चंद्र पर लगातार आक्रमण करना आरंभ कर दिया, मैं उन्हें खा जाने को तत्पर था। इसीलिए तुम असुरों के साथ संधि करके तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए हमने ये विधान बनाया कि पूर्णिमा और अमावस्या को तुम चंद्र और सूर्य को ग्रस सको। इस विधान के अनुसार आज मुझे सूर्य को ग्रसना था, परंतु आप देवताओं ने मेरे साथ छल किया है, मुझे सूर्य को ग्रसने से रोका है। ये एक अन्याय है जो एक नए देवासुर संग्राम का कारण बन सकता है। ये क्या कह रहे हो राहु? समुद्र मंथन के समय से लेकर आज तक कभी भी किसी ने तुम्हें सूर्य या चंद्र को ग्रसने से नहीं रोका, फिर आज तुम ये कैसे कह रहे हो कि हमने उस संधि का उल्लंघन किया है? आप देवों ने किसी वानर बालक को भेजा है जिसने मुझे सूर्य तक पहुंचने ही नहीं दिया, धक्का देकर भगा दिया उसने मुझे। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। देवराज इंद्र ने किसी वानर बालक को नहीं भेजा, न जाने तुम किस वानर बालक की बात कर रहे हो। आश्चर्य, आप देवताओं के राजा हैं, सृष्टि का शासन तंत्र आपके अधीन है, और एक वानर बालक आपकी शासन व्यवस्था के साथ खेल रहा है, और आपको इतना भी ज्ञात नहीं है कि वो उद्दंडी बालक है कौन? यदि तुम्हारा कथन सत्य है राहु, तो देवों से तुम असुरों की उस संधि को तोड़ने और देवराज इंद्र के अधिकार में हस्तक्षेप के अपराध में मैं स्वयं उस वानर बालक को दंडित करूंगा। मेरा वचन है तुम्हें सूर्य को ग्रसने से कोई नहीं रोकेगा, आओ मेरे साथ। अच्छा, तो ये है वो आकाश फल, कितना बड़ा है।
यदि इस बालक ने मुझे अपना ग्रास बना लिया तो देवों, असुरों और समस्त जगत के सामने मैं हास्य का पात्र बन जाऊंगा। इसे किसी भी युक्ति से रोकना होगा। नारायण नारायण। कालदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आपका अभिमान तो चूर चूर कर दिया एक बालक ने। इससे तो मारुति की भूख अवश्य मिट जाएगी। सूर्यदेव, अब आप भी सजग हो जाइए। ये मुझे निगल नहीं पाएगा। भले ही इसने कालदेव को अपना देव विस्तारित करके पराजित किया था, किंतु मेरे साथ इस बालक का ऐसा करना असंभव है। अब तो मारुति इसे खा कर ही रहेगा। मेरा विस्तार तो बहुत अधिक है। ना दूर आना पड़ा मारुति को इसे खाने के लिए। मारुति का आकाश फल, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। मारुति अभी ये खाएगा। किंतु इतने बड़े आकाश फल को खाने के लिए तो मारुति को अपना आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। सकता है मारुति इस आकाश फल को। ये आकाश फल तो बढ़ रहा है। आकाश फल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे ये ताप इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे क्या करे मारुति? इसे तो पता है कि मारुति को कितनी तीव्र भूख लगी है, इसीलिए ये बड़ा हो रहा है। देवर्षि नारद जी ने तो बड़ा ही अच्छा फल दिखाया है। इसे खाकर तो मारुति की भूख भी मिट जाएगी और माँ की चिंता और दुख मिट जाएगा। तो मारुति को इस आकाश फल को खाने के लिए अपना आकार और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। जा रहा है।
अरे ग्रहण तो हुआ नहीं और सूर्य देव का ताप भी असहनीय हो गया है। ताप तो बढ़ता ही जा रहा है, इस सूर्य का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रलय तो नहीं आने वाला है, यहाँ प्रलय तो नहीं आने वाली है। अरे ताप बढ़ता ही जा रहा है, आज सब कुछ विचित्र ही हो रहा है महाराज। अरे प्रलय तो नहीं आने वाला है आज। अरे लगता है सूर्यदेव कुपित हो गए हैं। ताप बढ़ता ही जा रहा है। ये तो प्रलय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये आकाश फल तो कितना बड़ा हो गया। हे सूर्यदेव, ये ताप हे महादेव, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। सूर्यदेव एक सीमा तक ही अपना आकार बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्यादा से अधिक आकार बढ़ाएंगे तो उनमें विस्फोट हो जाएगा, वे स्वयं खंडित हो जाएंगे और खंडित हो जाएगा उनका सूर्यलोक। असमय ही सृष्टि में प्रलय आ जाएगी महादेव। कोई बात नहीं, मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा इस आकाश फल को खाने के लिए।